दोस्तों, हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार यूपी की अधिकांश जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। दोस्तों, इस 4 दिवसीय महापर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में यह त्योहार किस दिन पड़ रहा है और कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक पक्ष की षष्ठी तिथि को हो रही है, यानी 7 नवंबर को सुबह 12:41 से इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी और यह 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्घ्य 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है नहाए खाए। दोस्तों, साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो यह 5 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन होगा। इसी दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन घर के सभी बर्तनों की सफाई की जाती है और पूरे घर की भी सफाई का ध्यान रखा जाता है। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अन्य लोगों से अलग कर लेते हैं। उनके बर्तन भी अलग होते हैं और 4 दिन तक पूरे नियमों का पालन कर इस पर्व को मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन लगभग 3 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव से करते हैं। अब बात करते हैं कि खरना कब है। तो इस बार खरना 6 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन पड़ेगा। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है, जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस खीर को चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सूर्य को अर्घ्य कब देना है। 7 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्यास्त का समय 5:30 होगा और उस समय सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। इस अर्घ्य में गन्ना, चावल, मिठाई और कई प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। छठ पूजा के 4थे दिन यानी 8 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन सुबह के सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37 है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत समाप्त हो जाता है और भक्त महाप्रसाद का वितरण करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का आरंभ नहाए खाए से हो जाता है और यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसका विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि इसकी महत्ता बनी रहे। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। छठी मैया को उदार माना जाता है और वे अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई गलती उन्हें नाराज भी कर सकती है। इसलिए छठ पर्व में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। छठ पूजा में पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। पूजा में शामिल किसी भी वस्तु को गंदे या झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहां तक कि दूसरे सामान को छूकर भी पूजा के सामान को नहीं छूना चाहिए। बच्चों को भी पूजा के सामान से दूर रखना चाहिए। पूजा में उपयोग होने वाले सभी चीजें साफ सुथरे और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी खंडित या झूठे फल फूल को छठी मैया को अर्पित नहीं करना चाहिए। छठ पूजा में केवल उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो इस पूजा के लिए निर्धारित हों।
छठ पूजा का प्रसाद व्रतधारी ही तैयार करते हैं। इस पर्व का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ है, जिसे महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसे बहुत ही सफाई से गेहूं के आटे, सूखे नारियल और घी की मदद से तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को झूठा कर दिया था, तब उसको बाट से मार दिया गया था। फिर गर्मी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने तोते को जीवित कर दिया। इसीलिए दोस्तों, छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया है, इन चीजों के सेवन करने से बचे। दोस्तों, इस महापर्व के चार दिन के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इन्हें घर में रखने से भी बचना चाहिए। छठ पूजा के व्रत में केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना उचित होता है, क्योंकि लहसुन और प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है। व्रत के दौरान इन चीजों का प्रयोग करने से व्रत की पवित्रता और अखंडता भंग होती है और इससे व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है। दोस्तों, छठ पूजा एक साधना और श्रद्धा का पर्व है, इसलिए इसमें कई नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्रत करने वाले को इस दौरान बिस्तर या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। चार दिन तक भूमि पर ही आसन बिछाकर सोने का नियम है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सके। छठ पूजा के दौरान प्रयुक्त होने वाले बर्तनों में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। केवल साफ धातु के बर्तनों का ही उपयोग करें और डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन आवश्यक वस्त्रों या सामग्री को जुटाने में असमर्थ हो तो अन्य संपन्न व्यक्तियों को उसकी सहायता करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और अर्घ्य का पात्र तांबे या पीतल का होना चाहिए, न कि चांदी, स्टील, कांच, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का। यदि मन्नत के साथ छठी मैया की पूजा कर रहे हो तो मन्नत पूरी होने पर अपना संकल्प अवश्य पूरा करें। व्रत के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रसाद और भोजन को शुद्ध और पवित्र रूप से ही बनाएं और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे कोई स्पर्श न कर सके। इस अवधि में महिला और पुरुषों को एक साथ नहीं सोना चाहिए और पलंग का उपयोग भी वर्जित है। वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे तक के लिए रखा जाता है और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। यदि नहीं बनता है तो व्रत रखना तो ना करें। अगर आप व्रत रखते हो तो गर्मी से दूर रहे, शांत रहे, कम बोले, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हो। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। त्योहारों का देश भारत अनेक पर्वों का घर है, जिनमें कुछ पर्व बहुत कठिन माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाए खाए के साथ आज से शुरू हुए इस चार दिवसीय महापर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा इस महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा की शुरुआत महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे, जिससे सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने।
ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण स्थल से जुड़ी एक कथा के अनुसार वहां मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषियों के आदेश पर सूर्य यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में उन्हें एक ऋषि के पास जाना पड़ा जिन्होंने राम और सीता को अपने आश्रम में आकर इस पूजा का ज्ञान दिया। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को राम और सीता ने उपवास रखकर सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी के सूर्योदय पर अनुष्ठान समाप्त किया। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, छठ पूजा कठोर नियमों वाला पर्व है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती और महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, इसलिए अधिकांश महिलाएं ही इस पर्व को करती हैं। विवाहित या विधवा महिलाएं इस पर्व का व्रत रख सकती हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं को यह कठिन व्रत करने से मना किया गया है क्योंकि इसमें कठिन नियमों का पालन करना होता है। मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को इस व्रत से बचना चाहिए क्योंकि इसमें 33 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है जो बुजुर्ग और बीमार महिलाओं के लिए कठिन हो सकता है। यह व्रत कुमारी कन्याओं के लिए वर्जित है। इसके पीछे मान्यता है कि सूर्य उपासना के दौरान कुंती ने भी सूर्य की पूजा की थी और अनचाहे ही माता बन गई थी, इसलिए कुमारी लड़कियों को सूर्य उपासना का व्रत नहीं रखना चाहिए। वे घर की महिलाओं की सहायता कर सकती हैं, प्रसाद बनाने में मदद कर सकती हैं और पूजा में भाग ले सकती हैं, जिससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। व्रतियों की सेवा करना और पूजा में सहायता करना भी सूर्य देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है। इस पूजा में 5 गन्ने, पत्तों सहित पानी वाला नारियल, अक्षत, पीला सिंदूर, दीपक, घी, बाती, कुमकुम, चंदन, धूप बत्ती, कपूर, अगरबत्ती, माचिस, फूल और हरे पान के पत्ते आवश्यक हैं। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव भर के 8 लड्डू बनाए जाते हैं जिन्हें व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को 1 प्लेट में नारियल के साथ दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे लगाए जाते हैं और यह प्रसाद किसी को निमंत्रण देकर भोजन कराते हुए दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आप इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। धन्यवाद।